दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वणकम जय श्री कृष्ण जय स्वामीनारायण जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि धर्म क्या है? देखने जाए तो दुनिया में धर्म का मीनिंग राइट वे ऑफ लिविंग है, लेकिन कई बार वो ड्यूटी वर्च्यू मोरालिटी स्पिरिचुअलिटी और इवन रिलीजन के नाम से जाना जाता है। तो ये धर्म क्या है, सबसे अच्छा धर्म कौन सा है? चलिए जानते हैं धर्म की डेफिनेशन हमारे परम पूज्य आत्मज्ञानी दीपक भाई से। वो मेरे पिताजी कहा करते थे पहले कि जब सतयुग था उस समय कोई बात धर्म का यदि विचार किया जाए मन में, तब तक उसका फल नहीं मिलता जब तक उसे किया ना जाए। और कलयुग जब आया तो फिर उसमें उसका किसी भी कर्म का फल ये है कि अगर उसे विचार ही कर लिया जाए तो 50% उसका फल मिल जाता है। तो क्या ये उचित है? अभी आपको मिला है कि कुछ फल नहीं? अभी तो अनुभव में तो कुछ नहीं है। बस तो फिर वही बात समझ लो जी। अभी क्या है कि कलयुग के लिए क्या बताते हैं, नाम स्मरण करो जी तो भी पूरा फल मिलेगा, क्योंकि अभी शक्ति इतनी डाउन हो गई आदमी लोगों की तो ज़्यादा कुछ टेंशन ले नहीं सकता है। इसके लिए सब धर्मों में भी नीचे प्रकार की बात बताई गई, इतनी ऊंची बात लोग पकड़ नहीं सकते तो छोटी छोड़ दो जी। और दादाजी ने क्या किया कि भाई आत्मा तो भीतर में पूर्ण है, उसको सच्ची बात बताते जाएंगे, भले धीरे 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 वो खुली करते जाएंगे, एक दिन पकड़ के मोक्ष मार्ग में चढ़ जाएगा जी। तो ये अभी डायरेक्ट वो क्रमिक मार्ग में तकलीफ हो गई है, मन वचन का है कि एकता योग टूट गए हैं, मन भी निर्मल हो गया है और क्रोध मान माया लोभ विषय विकार सब भयंकर बढ़ गए हैं। तो ये सब होने के वजह से ये अपवाद मार्ग खुला हो गया। तो अपवाद मार्ग में तो हमारा दादाजी की कृपा से ही हमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है और मोक्ष का पुरुषार्थ हम कर सकते हैं जी। सीधी बात मिल गई। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं धर्म के बारे में। दोस्तों, तो हम धर्म किससे कहेंगे? माला करेंगे उसको, या शास्त्रों का स्टडी करेंगे उसको, या फिर धूप दीप जाप ताप उसको? तो क्या ये सब क्रिया से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? चलिए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे अगले सेगमेंट में। मेरे पति बहुत धर्म करते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि धर्म करूँ, मगर मेरा मन नहीं मानता है, मैं क्या करूँ? आपका मन किस में रहता है? आपका मन धर्म में नहीं लगता है तो किस में लगता है? चाहती तो हूँ कि धर्म करूँ, बट शुद्ध भाव से नहीं होता है। जैसे क्रिया करने के लिए सब क्रिया करती हूँ, प्रतिक्रमण पूजा मंदिर की विधि सब, बट भाव से नहीं होता है। भाव से नहीं होता है? नहीं होता है। ये क्रिया तो हमेशा मैकेनिकली होती है, वहाँ भाव कहाँ आएगा? जैसे प्रतिक्रमण करते वक्त या तपस्या करते वक्त मन से नहीं करते, सब करते हैं इसलिए हमारे को करना है, ऐसे हाँ, भाव आते हैं। इसकी कारण यही है कि ये बगैर समझे करते हैं। प्रतिक्रमण करते हैं तो अर्धमावधि में है, उसका मतलब ही नहीं समझते तो करने का क्या मतलब? वो मैकेनिकल होता है तो फिर भाव कहाँ से आएगा? ये कानड़ी में कुछ बोल गए तो हमको कुछ नहीं समझेगा तो हमको कहाँ उसका रिएक्शन आएगा? समझ में आया ना? समझाते बहुत है मेरे पति के, बस ये करने से ऐसा होता है, ये लाभ मिलेगा, तुम्हारे को कर्म बंधन के मुक्ति मिलेगी, बट नहीं नहीं, कुछ क्रिया करने से बैठता है। कोई क्रिया करने से आपको या आपके पति को मुक्ति नहीं मिलती है, आत्मा जानने से मुक्ति मिलती है। और कर्म न बंधाए जाए, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ ये सारी चीजें हमारे में से जब चली जाए तब मुक्ति मिलती है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। जैन धर्म में रात को खाने का निषेध है, वैसे विज्ञान में भी कुछ हद तक इसे सही कहा है। क्या यह सच में सही है? बात सही है कि रात में नहीं खाना वो अच्छी बात है,
पर आज के संजोग ऐसे है कि काम से आदमी लेट आता है तो खा नहीं पाता है, तो रात को खाने के छोड़ दो, वो पकड़ मत पकड़ो। जैन धर्म में एक ही बात नहीं बताई है, जैन धर्म में सबसे बड़ी बात क्या बताई है, कषाय मत करो। कषाय करने में क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष में एक कषाय में 1000 रुपये का लॉस होएगा और एक सदक्रिया संभालने में 50 रुपये का फायदा होएगा। तो क्रिया संभालने जाओ पर क्रिया संभालने के लिए कषाय करो तो फिर लॉस बड़ा हो जाएगा। क्रिया हो सकती है तो करो, कंदमूल नहीं खाना है तो मत खाओ, पर किसी ने खाया अथवा तो आपको बोला ये खाओ तो कषाय करने से आपको ज़्यादा लॉस होता है। तो कोई भी बाधा की उसमें हरकत नहीं, पर बाधा संभालने के लिए कषाय करते हैं। किसी को नहीं बोलना चाहिए कि आप खाओ या ना खाओ? हाँ, नहीं, जिसको जो मर्जी करने दो और जो संजोग अनुसार छोड़ दो। भगवान का धर्म लाभालाभ का है, लाभ अलाभ दोनों में लाभ तरफ जाओ। 10 का लाभ होता है और 2 का नुकसान होता है तो लाभ में जाओ, और 10 का लाभ है और 1000 का नुकसान है तो फिर लाभ छोड़ दो। लाभ 10 का है पर 1000 का नुकसान है तो स्टॉप कर दो, वो मत करो। समझ में आता है ना? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं धर्म के बारे में। तीर्थंकर भगवान जैसे जैन धर्म में हो गए, वैसे और बाकी धर्म में हो गए हैं क्या, और हुए हैं तो वो कौन कौन है? सच्ची बात तो यह है कि बाकी वाले धर्म और जैन धर्म उस टाइम पे जुदा नहीं था, उस टाइम पे तो एक ही धर्म थे। महावीर भगवान हुए तो उसके पहले पार्श्वनाथ भगवान है, मगर 24 तीर्थंकर सारे दुनिया में 24 ही होते हैं, और जैनों के नहीं, मगर वो वितराग भगवान होते हैं, और बाद में 63 सलाखा पुरुष होते हैं, 9-12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलराम। तो ऐसे 63 सलाखा पुरुष सब काल चक्र में, अवसर्पिणी काल के काल चक्र में होते हैं, दूसरे उत्सर्पिणी काल में भी दूसरे 24 और से 63 सलाखा पुरुष होके ही रहेंगे। तो हकीकत क्या है कि जिन्होंने अत्यंत पुण्य बांधी है, कृष्ण भगवान जैसे या रामचंद्र जी जैसे, तो पीछे वाले लोग उनको भगवान बोलेंगे, बाकी भगवान तो सभी हो गए। बहुत 9 वासुदेव, उसमें से कृष्ण भगवान एक थे, ऐसे 9 बलराम थे, उसमें से रामचंद्र जी एक थे, और उनको पुण्य का हिसाब और लोगों ने उनको भक्तिभाव से हमारे भगवान, तो हमारा धर्म जुदा कर दिया कि हमारा धर्म ये है, उनका धर्म ये है। और बाद में देव देवियां होती है, शासन देव देवियां, तो कोई देव देवियों की भक्ति करता है तो हम तो अंबा माता का भगत है, हम रामचंद्र जी को नहीं मानता, ऐसे सब डिवीजन हो जाते हैं। बाकी मूल पुरुष 24 तीर्थंकर है और उन्हीं के आसपास में, वही कालचक्र के आसपास में, उनके समय के संजोग अनुसार वासुदेव, प्रति वासुदेव, चक्रवर्ती सब होते जाते हैं। और सभी तीर्थंकरों के 2 शासन देवी रहते हैं, देव और देवी। जैसे अंबा माता जी शासन देवी है, पद्मावती माता जी शासन देवी है, तो पीछे उनके भी भक्ति में आ जाते हैं। तो ये मूल ऐसे कालचक्र में ऐसे महान पुरुष होते हैं, बाद में उसके भक्ति में लोग धर्म का विभाजन कर देते हैं। समझ में आया आपको? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं धर्म यानी कि रिलीजन की। दोस्तों क्या आपने सोचा है कि सचमुच में धर्म क्या है? चलिए समझते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। मेरे प्रश्न है, मैं धर्म का सही स्वरूप क्या है जानना चाहूंगा। सही धर्म का 2 स्वरूप है, एक रिलेटिव धर्म, ये संसार में चलते हैं जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शिव धर्म, व्यवहार धर्म है, और दूसरा निश्चय धर्म, आत्मा को पहचान के आत्मा में रहना, आत्म धर्म में खुद के स्वभाव में रहना, वस्तु स्वभाव वही धर्म, और निश्चय धर्म है। और सामान्य भाषा में बताए तो ये व्यवहार जैन धर्म, सही सब वैष्णव धर्म, शिव धर्म, उसे एग्जैक्ट देखने जाए तो ये जो 5 इंद्रिय से जितना अनुभव में आता है वो सब व्यवहार है, और भीतर में सद्भावना है, दुर्भावना है, वो भाव वहाँ धर्म है। किसी को बोले ए अक्कल नहीं है, बैठे इधर जाओ खाने के लिए, कितनी देर लगाते हो, तो दुख दे के व्यवहार करना वो अधर्म है। व्यवहार तो करता ही है मगर दूसरे को दुख हो जाए ऐसे व्यवहार है, तो भीतर में अधर्म उत्पन्न हुआ। भाग्यशाली भाइयों बहनों चलो प्रसाद लेने के लिए शुरू हो गया महाप्रसाद,
तो अच्छा लगे सबको, भीतर में धर्म है बाहर व्यवहार है, व्यवहार तो दिखता है वह धर्म, अधर्म भीतर में है, राग द्वेष अभाव तिरस्कार, द्वेष है वह अधर्म है, शुभ भाव है सद्भावना है वह धर्म है। समझ में आया आपको? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है हमारे जिंदगी के हर एक सवाल को। ये सेकंड क्वेश्चन ये था मेरा, मैं तो दरअसल बाहर ही रहता हूँ, जॉब करता हूँ, तो मेरे कुछ रूम पार्टनर्स हैं जो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, और कुछ फ्रेंड हैं जो इंजीनियर हैं, सब क्वेश्चन करते हैं यार यंग बेस पे तुम सत्संग करते हो, इधर इधर घूमना चाहिए, मौज मस्ती करना चाहिए, तो इस उन लोग को क्या जवाब देने चाहिए इस बारे में? नहीं, छोटा बच्चे को कभी बीमारी नहीं आती है, डॉक्टर के पास नहीं ले जाना चाहिए? नहीं जा, क्यों नहीं लेने के लेके जाना? अरे बूढ़ा होने के बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए, छोटे हो तब क्यों जाना चाहिए? अरे बीमारी आएगी तो जाना पड़ता है, हमें चिंता होती है तो हम जाएंगे दवाई के लिए, आपको नहीं होती है तो मजा करो, बाद में चिंता होगी तब ले आना डॉक्टर के पास। हमें तो शांति चाहिए और सनातन सुख चाहिए। लोग क्या बोलते हैं, जब बाल सफ़ेद होएंगे तब पूजा करेंगे, तब तो माला पकड़ने की ताकत नहीं रहती है, हाथ राम मुंह से पानी निकल जाता है, राम का नाम क्या लेगा उस टाइम पे? अरे सच्ची ताकत है तब, जवानी में तो सब गधे मस्तानी, सब मोह में सब समय घुमा देता है, गंवा देता है, उसी टाइम भगवान का भक्ति किया आराधना की तो सारा जीवन भी अच्छा जाएगा और संसार के कर्म तो पूरे होके ही रहेंगे, वो फर्ज आता है। और ये मर्ज आता है, हम मोह में मस्ती में ये विकारों में गंवा दिया टाइम, तो फिर भविष्य भी बुढ़ापे में तो और ज़िंदगी बिगड़ जाएगी हमारी। धर्म की शुरुआत जीवन की शुरुआत से होनी चाहिए, मरने के टाइम क्या धर्म करना, उस टाइम पे कुछ नहीं हो सकेगा। दरअसल उसे कहना ये रहता है, अरे यार इस यंग बेस पे हो तो मौज मस्ती करना भी, वो भी करता हूँ और ये भी करता हूँ, और अभी पढ़ाई का टाइम है, पहले पढ़ाई कर लेने दो, बाद में जब मैं नौकरी धंधा करूँगा तब मौज मजा कर लूँगा। पढ़ाई का टाइम में हमारे माँ बाप हमें पढ़ाई के लिए भेजा है कि मौज मजा करने के लिए भेजा है? माँ बाप के इतने पैसे हम खर्च करके परीक्षा में मार्क्स भी अच्छे न लाए और मौज मजा करते रहे तो माँ बाप का कितना विश्वासघात किया जाएगा? और मौज मजा नहीं करते, विषय विकार करते रहते हैं, इंटरनेट वो सब, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जिंदगी बिगाड़ देते हैं। आप जो करते हैं सही कर रहे हो, हाँ आराम से करते रहो, उसको बोलने का जिसको ये चाहिए तो आओ मेरे साथ, शांति रहेगी, आसानी से जीवन जाएगा। जीवन में सुख के लिए सब लोग करते हैं या दुखी होने के लिए करते हैं? सुख के लिए। तो फिर ये सच्चा सुख चाहिए, टेम्पररी सुख चाहिए या परमानेंट सुख चाहिए? परमानेंट। तो ये परमानेंट सुख का रास्ता है, और जो हम मौज मजा करते हैं वो सुख के लिए ही करते हैं, मगर वो सुख के बाद वापस दुख आएगा, और ये सुख के बाद वापस दुख नहीं आता, आनंद रहता है। क्या दीपक भाई, कभी भी लोग साथ में रहते हैं तो मैं तो बुक पढ़ते ही रहता हूँ, तो लोग उठा लेते हैं और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझाते रहो, बोलते रहो। नहीं, उसका मतलब है टीवी में देखो, प्रोग्राम आएगा तब। मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, टीचर के पास जाओगे तो समाधान मिलेगा, स्टूडेंट के पास क्या समाधान पाते हो? हाँ मुझे शांति हुई इतना मैं अनुभव बताऊँगा, कैसे हुई वो ज्ञान मिला उसके, आप जाके ले लो ज्ञान। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों आज हमने जाना सच्चा धर्म क्या होता है। व्यवहार में कई प्रकार के धर्म होते हैं, लेकिन मन वचन काया से किसी को किंचित मात्र दुख ना दो, वही सच्चा धर्म है। और सब धर्मों से ऊपर है आत्मधर्म, जो ज्ञानी से आत्मज्ञान पाने से मिलता है। उससे बाहर व्यवहार चलता रहता है, लेकिन आत्मज्ञाता दृश्य और परमानंदी रहता है और परम सुख का अनुभव करता है। तो दोस्तों आत्मज्ञान की अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाए 1-877-505-3232 extension 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हैप्पी। जय सच्चिदानंद। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी।